Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है क्लास टेंथ की मैथ डिस्कस कर रहे हैं, और मैथ में हम लोगों ने पांचवा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था जिसका मात्र स्टडी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, और एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है। आज जो हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, नया चैप्टर है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, ठीक। और आप लोगों के परफॉर्मेंस के अनुसार जो है ये वीडियो आपको दी जाएगी, मतलब अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपको लगातार अवेलेबल करवाई जाएगी। और मैं गारंटी करता हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में मैथ में से 100 में से 100 नंबर आपको दिलवाऊंगा, 99 नहीं होने दूंगा, ठीक। क्योंकि जो है जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि जो है जो मैं बताता हूँ वो आता जरूर है, ठीक। तो जब आपकी परीक्षा रहेगी तो उसमें भी मैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो आपकी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो हो, हर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और हिंदी छोड़ करके, वैसे हिंदी में भी मैं मैक्सिमम बता दूंगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान और संस्कृत भी आपको छोड़ करके, बाकी जो मेन चैप्टर है आपका चैप्टर और मेन सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया, तो इसमें के जो है हम सारे जो है बताएंगे आपको। जैसा कि नाम देख रहे हैं आप, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होगा पहले ये बताइए। त्रि और प्लस भुज, इसका मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए साधारण परिभाषा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, मतलब कि अगर कोई तीन रेखा आकर के मिल जाए तो वही त्रिभुज का निर्माण करती है। कोई पूछ ले ये किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, ये किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक, या फिर ये किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। तो कोई भी तीन भुजा आकर के अगर मिलती है तो वो हमारा त्रिभुज कहलाता है। अगर अभी ऐसे कह दिया जाए और कह दिया जाए कि ये बताइए त्रिभुज है या नहीं, इसमें भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को या तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं ये तीन भुजा तो है लेकिन आकृति बंद नहीं, अर्थात अगर पड़ोसी आई है रती हम ना, तो एक भुज के समान मान चुरा के ले चला नहीं है, तो ऐसा बना रहा है तीन भुजा घिरी रहा है कि पड़ोसी चुरावे के मूड से ना आए, ठीक। तो यह लिए जो है त्रिभुज न बटे, अर्थात अगर एक हम इसे मिला दिए नहीं, एक ऐसे मिला दी त्रिभुज हो जाए, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो हम जान हमका ही जाने का है कि त्रिभुज काव आर, तो त्रिभुज मतलब तीन भुजा से जो आकृति घिरी रहा है वह हमारे त्रिभुज, ठीक। तो परिभाषा अगर लिखे कोई लिख लिया कि तीन भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, ठीक, तीन भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सचिन तो हमें जोड़ दें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, क्यों परिभाषा चूंकि आप लिख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि दो भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे जो है हम लोग देखेंगे कि जो त्रिभुज है उसमें दो चीज आपको पढ़ने को मिलती है, दो चीज भाई क्या हो सकता है, चाहे आप त्रिभुज ले लीजिए या फिर कोई भी चित्र ले लीजिए। अगर भी मैं ये कहूं देखिएगा, मैं कहूं कि ये एक है आपका और ये दो है, मैं अगर कहूं कि ये एक और दो क्या चीज है तो आप बोलेंगे सर जी त्रिभुज है, मतलब ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, आप क्या बोलेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि अर्थात ये दोनों क्या है, समान समान रूप के हैं, इनका रूप क्या है, इनका रूप क्या है, समान है। तो अगर रूप समान है इसका मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों आपके हो जाएंगे सम रूप। अगर दोनों जने देखें समान जना है ना, एक के तरह जना है, तो उनका समरूप कहा जाए, बस फर्क इतना है ये बड़ा है ये भैया उनके छोटा है, ये बड़ा है ये काम है छोटा है, अर्थात एक अगर बड़ा रहा है और एक छोटा है
लेकिन दोनों चीज वही रहे। जैसे अगर अभी मैं ये ऐसे बना दूं, हम कह दी कि बतावा कि दोनों का आवाज कहां पर सर्जी जो ना दोनों बिरिता, ठीक, तो हम कहीं का चाहिए तो कि दोनों समरूप है नहीं ना, तो आए क्यों, क्योंकि समान रूप, जिसका रूप समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक, क्या बताए हम कि जिसके रूप समान हो उसे क्या कहेंगे, हम समरूप कहेंगे। इसके बाद देखिए एक चीज आपको और देखने को मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं, सर्वांगसम। ठीक, तो सर्वांगसम किसे कहते हैं, मतलब सर्व प्लस अंग और प्लस सम, सर्वांगसम, सर्व प्लस अंग प्लस सम, मतलब सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं, मतलब दोनों त्रिभुज के अंग, सर्व मतलब सभी अंग, मतलब अंग समान, मतलब समान हो, जिस त्रिभुज के सभी अंग समान हो अर्थात दोनों के आकार समान हो, जितना बड़ा पहला त्रिभुज हो उतने बड़ा दूसरा भी त्रिभुज हो, अगर दोनों त्रिभुज के आकार समान हो तो उसे हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो दो चीज हमने बताया, एक तो बताया सर्वांगसम त्रिभुज और एक हमने बताया समरूप त्रिभुज। तो पहले आप लिख लीजिए समरूप त्रिभुज, हेडिंग डालिए समरूप त्रिभुज। पहली परिभाषा हमने लिखा है त्रिभुज की, ठीक, कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। फिर हम अगली हेडिंग बता रहे हैं समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में आप लिख लीजिए परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा लिख लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके आकार समान हो। ठीक, यदि उनके आकार समान हो, आकार समान का मतलब यह है कि वही रूप समान हो। ठीक, आकार समान हो मतलब ये भी त्रिभुज के आकार का है और ये भी त्रिभुज के आकार का है, तो आकार समान हो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं, उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। केवल अभी मैं परिभाषा बता रहा हूं, जब समरूप त्रिभुज का मैं विस्तार करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब उसकी जो है डेरिवेशन जब उसका कराऊंगा तब। अभी केवल आप परिभाषा लिख रहे हैं, चूंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें सभी चीजें जितनी भी आनी है सबकी परिभाषा आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं जब समझाना स्टार्ट करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अभी चूंकि केवल परिभाषा और उसके क्या लक्षण है यही दो चीज हम बताएंगे। तो हमने बता दिया समरूप त्रिभुज में कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। फिर अगली हेडिंग आप डाल लीजिए सर्वांगसम त्रिभुज, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक, तो सर्वांगसम त्रिभुज में लिख लीजिए कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार और माप माप का मतलब वही लंबाई। ठीक, ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार और माप दोनों समान होते हैं उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो ये चीज है सर्वांगसम त्रिभुज में आप ये चित्र बना लीजिएगा और समरूप त्रिभुज में आप ये त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, तो ये आपके समरूप त्रिभुज के उदाहरण है और ये आपके सर्वांगसम त्रिभुज के उदाहरण है, तो ये दोनों चित्र आप बना लीजिए। आगे देखिए अगली हेडिंग आप डालिएगा त्रिभुज के प्रकार अर्थात त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज याद रखिएगा, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून
और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज आपके तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो याद रखिएगा, आप इसमें एक चीज के विषय में तो जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए आप पहली हेडिंग डालिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लिखिए, समकोण त्रिभुज में आप लिखिए ये आपका 90 अंश है। समकोण त्रिभुज में आप एक चित्र बना लीजिए, यही चित्र बनाने के बाद लिखिए, समकोण त्रिभुज में आप एक चित्र बना लीजिए, उसके बाद लिखिए कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। हम क्या देख रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब न्यून मतलब छोटा, कोण मतलब कोण, अर्थात ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ये होगा आपका 60 और ये 40, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो। देखिए ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आगे देखिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में लिखिए आप, अधिक कोण त्रिभुज में लिखिए अधिक कोण त्रिभुज में आप लिख लीजिए, इसको आप एबीसी कर लीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज में लिखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसको आप चित्र बना लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं, अर्थात समरूप त्रिभुज का डेरिवेशन और सर्वांगसम त्रिभुज का डेरिवेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे डेरिवेशन परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसको समझने से फिर पूरे प्रश्नों की जो जड़ है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज का समरूप त्रिभुज हेडिंग डाल लीजिए आप समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज हेडिंग डालने के बाद समरूप त्रिभुज हेडिंग डालने के बाद आप ऐसे दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर। ठीक, बनाने के बाद सबसे पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए कि समरूप त्रिभुज,
समरूप त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिनके जिनके आकार समान होते हैं। समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिनके आकार समान होते हैं। ठीक, समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिनके आकार समान होते हैं। ठीक, ये चीज हमने बता दिया। फिर आगे लिखिए, आगे लिखिए दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं, दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, ये चीज आप लिख लीजिए और ये आप याद भी कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब इस भुजा के संगत जो भुजा है वो ये भुजा है, इसके संगत भुजा जो है वो ये है और इसके संगत भुजा जो है वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए क्या कह रहा है, संगत भुजा, संगत भुजा मतलब कहीं नहीं, कहीं क्या है हमारे संगत मतलब संगत के असर बुरा हो, संगत मतलब जो साथ रहता हो। तो इसके अगर अभी मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगी, ये दोनों पास पास आएंगी और ये दोनों पास पास आएंगी। ठीक, तो यही है संगत भुजा। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, इसका मतलब ए बी और बटे पी क्यू ये बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, ये बराबर होगा ए सी बटे पी आर। ठीक, तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था क्या कि दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसको आप लिख लीजिए। फिर दूसरा देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होते। अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात संगत कोण का मतलब क्या हुआ, जैसा कि संगत भुजा में हमने बताया वही चीज संगत कोण में भी बताऊंगा। अगर मैं भी इसको इसके ऊपर चढ़ा दूं तो कोण बी के पास कौन सा कोण आएगा, कोण क्यू आएगा। कोण ए के पास कौन सा कोण आएगा, कोण पी आएगा। कोण सी के पास कौन सा कोण आएगा, कोण आर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बराबर कोण पी कामा कोण बी बराबर कोण क्यू कामा कोण सी बराबर कोण। ठीक, तो ये चीज है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सर्वांशक त्रिभुज है, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सर्वांशक त्रिभुज के गुण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सर्वांशक त्रिभुज के गुण पढ़ रहे हैं। कि इसके पहले गुण पर हमने चर्चा की कि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उनकी संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होगा। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा कि इनके संगत कोण जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद देखिए अगला मतलब तीसरा क्या है, कोई दो संगत भुजा समानुपातिक और इनके बीच का कोण
कोई दो भुजा समानुपातिक और इनके बीच का कोण बराबर है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो भुजा, हमने क्या देखा कि अगर कोई दो भुजा, ठीक, संगत भुजा समानुपातिक हो और इसके बीच का कोण बराबर हो तो वो भी हमारा क्या होगा, सर्वांशक त्रिभुज होगा। मतलब कि अगर कोई दो भुजा ले लीजिए संगत भुजा, जैसे ए बी और बी सी, ठीक, कोई भी आप दो भुजा ले लीजिए, अगर हम ए बी और बी सी ले लें तो ए बी के संगत भुजा क्या हो जाएगी, अगर हम ए बी लें तो ए बी के संगत भुजा पी क्यू और बी सी के संगत भुजा क्यू आर। अगर हम संगत भुजा ले लें तो इनके बीच का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये है तब भी जो त्रिभुज होगा वो हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। या फिर अगर हम ए बी बी सी ना लें, बी सी और ए सी ले लें तो बी सी बटे ए सी, तो बी सी के संगत क्या हो जाएगा आपका क्यू आर और बटे ए सी यानी कि पी आर। तो अगर हम बी सी और ए सी लेंगे तो इसके बीच का कोण क्या है, यानी कि कोण सी और बराबर इसके बीच का कोण, कोण आर, तो कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। इसी तरह अभी तक देखिए, एक बार हमने क्या लिया, हमने एक बार ये और ये लिया, फिर ये और ये लिया, अब क्या लेंगे, अब ये और ये लेंगे, यानी कि ए बी और ए सी अगर हम लें तो यानी कि ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी, तो ए सी जो है कहा लेंगे, ए बी के पी क्यू है बराबर ए सी के पी आर है। तो हम क्या देखेंगे, ये कोण यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये है हमारा तीसरा कंडीशन। ठीक, तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी, पहला पढ़ा कि तीनों जो मतलब कि संगत भुजा का अनुपात होता है वो हमारा बराबर होता है। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तो वो हमारी यस यस ए कंडीशन थी। क्या वो यस 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 मतलब साइड साइड साइड, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी का मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं। पहला हमने देखा, पहला कंडीशन हमने देखा, पहला गुण हमने देखा कि यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, या फिर अगर उल्टा कर दिया जाए कि अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो हमने देखा क्या, तीनों संगत भुजा अर्थात यस 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 समरूपता लगेगी। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कि अगर कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वही चीज अगर उल्टा कर दिया जाए तो अगर किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अर्थात इसमें हमने तीनों कोण ले लिया था ए ए ए समरूप। फिर देखिए तीसरे में हमने क्या देखा, तीसरे में हमने देखा कि दो संगत भुजा और बीच का कोण, मतलब दो भुजा और बीच का कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अर्थात यस ए यस समरूपता। तो हमने क्या देखा, हमने तीन समरूपता देखी। पहली समरूपता देखी ट्रिपल यस, मतलब तीनों भुजा आपकी बराबर हो। दूसरी देखी तीनों एंगल आपके बराबर हो। अगला देखा दो भुजा और एक कोण बराबर, और एक है कि अगर कोई दो कोण बराबर हो जाए, जो ये हमारा तीन कोण है ना, इसी में एक और है कि अगर आपका दो कोण बराबर हो जाए तब भी वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। तो आज हमने एक पढ़ा कि समरूप त्रिभुज को पहचानेंगे कैसे और समरूप त्रिभुज क्या है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी दो त्रिभुज है और उसकी भुजा समान है, मतलब उसके आकार समान है तो वो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज के हमने गुण पढ़ा। और कल जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सर्वांशकता पर। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर करिए, आप खुद शेयर करिए क्योंकि आपको पढ़ना है, और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको शेयर करना पड़ेगा।
क्योंकि जो है देखिए आप ही लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, कोई ये तो है नहीं कि मुझे पढ़ना है या फिर मुझे काम है, तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिसको आप शेयर केवल आप एक बार शेयर करिए बस, वो अगर इसको देखेंगे एक बार तो वो फिर जरूर जुड़ेंगे हमसे, क्योंकि समझाने में अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट कीजिए सर यहाँ पे आपने कम सही समझाया, तो मैं उसको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।